एमपी कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता कर किसानों के मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी देश के एग्रीकल्चर का हब है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने हर मंच से किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी। 2016 से पीएम मोदी ने भी किसानों की आय दुगना करने की बात की थी, लेकिन आज 80,000 हर किसान पर कर्ज है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि 10 साल से बीजेपी की सरकार देश में है, लेकिन देश और प्रदेश की सरकार ने किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में भाषण देते हुए बोला कि एमपी में किसानों की आय दुगनी की। 2022 में संसदीय समिति के अनुसार किसानों की आय घटी है। 2015 और 16 में एक किसान की आय लगभग 9 थी, वो आज घटकर 8,000 रह गई है। जीतू पटवारी ने कहा कि झूठ बोलने में शिवराज मोदी को टक्कर दे रहे हैं। किसानों को 2700 गेहूं का देने का वादा किया था, मगर अब उस वादे को भूल गए। मैं शिवराज सिंह चौहान के झूठ की निंदा करता हूं। एमपी के किसानों से शिवराज सिंह चौहान ने धोखा क्यों किया, ये जवाब देना चाहिए। पीसीसी चीफ ने आगे कहा कि मोहन यादव प्रवचनकारी मुख्यमंत्री हैं। 10 माह में महिला अपराध, आदिवासी अपराध, बच्चियों के साथ अपराध में एमपी को नंबर 1 बना दिया है। पीसीसी चीफ ने आगे कहा कि कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकालेगी। जीतू पटवारी ने सरकार से मांग की है कि सरकार को सोयाबीन 6,000 रुपए, 3100 में धान और गेहूं 2700 में खरीदना चाहिए। बिजली बिल कम होने चाहिए। कांग्रेस द्वारा 20 तारीख को पूरे प्रदेश के हर जिले में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जीतू पटवारी ने कहा कि हम दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये है किसान न्याय यात्रा। अभी के लिए इसमें बस इतना ही। आगे कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको खबर विभाग के जरिए मिल ही जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।